है, पहला लेक्चर आप ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें हमने बेसिक वास्तु की बात करी है कि वास्तु एक हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंस रखता है और उससे क्या क्या आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा, ये जो लेक्चर है, ये पूरा लेक्चर आपको मैं 16 दिशाओं के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी 16 दिशाएं हैं जिसपे हमें वर्किंग करके या जो उनको बैलेंस करके आप अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 8 मुख्य दिशाओं बताऊंगा, कौन कौन सी 8 मुख्य दिशाएं हैं। उसके बाद उनके जो सब डिविजन्स हैं उसी को हम 16 डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी उसी में से निकल के 16 दिशाएं आती हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं अपना जो स्क्रीन है वो एक बार शेयर कर लेता हूं ताकि मैं आपको आज डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा सकूं। 1 मिनट का वक्त दीजिएगा बस मुझे, ताकि मैं एक बार पेन अपना व्हाइट बोर्ड कनेक्ट कर लूं। व्हाइट बोर्ड मैंने अपना कनेक्ट कर लिया है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक ड्राइंग बना रखी है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा आज कि कैसे हमें 16 दिशाओं को याद रखना है और किस तरीके से हमें उस पे उसको एनालाइज करना है। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक हमारा एक रेक्टेंगल प्लॉट है और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारी जो दिशा है वो नॉर्थ है। अगर इस तरफ नॉर्थ होगी तो उसके ऑपोजिट साइड हमेशा साउथ होगी, इस तरफ हमेशा ईस्ट होगा एंड इस तरफ हमेशा वेस्ट होगा। ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। इसके बाद जो हमारी दिशाएं आती हैं वो आएंगी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो भाग होता है 45 डिग्री एंगल पे, ये आप एंगल देखेंगे तो ये 45-45 डिग्री के एंगल है, इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। उसके बाद सिमिलरली ये जो दिशा होगी ये होगी साउथ ईस्ट की दिशा, और उसके बाद अगर हम देखेंगे ये होगी हमारी साउथ वेस्ट की दिशा, ये हमारी साउथ वेस्ट की दिशा होगी और ये सिमिलरली होगी नॉर्थ वेस्ट। तो ये 8 दिशाएं हैं हमारी जो वैदिक वास्तु में बोला गया है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे इसको फर्दर बाइफर्केट करेंगे और हम इससे 16 दिशाओं पर आएंगे जिसपे हम प्रैक्टिकल हमारी वर्किंग रहेगी पूरी वास्तुशास्त्र की। तो चलिए मैं आपको बनाता हूं कि कैसे कैसे वो दिशाएं होंगी। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि मैं इसको फर्दर ग्रिड कर रहा हूं, पहले हम ग्रिडिंग कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक ये लाइन खींची तो ये एन और एनएनई के बीच की जो दिशा होती है इसको हम कहते हैं एनएनई, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दिशा। उसके बाद अगर हम इसको फर्दर बाइफर्केट करके अगर ऐसे एक लाइन खींच देंगे तो उसके बाद जो ये दिशा आती है इसको हम बोलेंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईएनई। उसके बाद जो हमारी एक दिशा आएगी, उसके बाद ये वाली जो दिशा होगी इसको हम बोलेंगे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये हमारी एक दिशा है। फिर हमारी साउथ ईस्ट आती है, उसके बाद इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो यहां पे जो हमारी दिशा आएगी ये आएगी साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट के बाद ये वाली जो दिशा होगी इसको हम बोलेंगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, SSW शॉर्ट में वैसे बोलेंगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। उसके बाद हमारी साउथ वेस्ट आ जाती है, साउथ वेस्ट के बाद ये जो दिशा आएगी ये आएगी WSW, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट इसको हम बोलेंगे। उसके बाद वेस्ट आ गया हमारा, ये वेस्ट के बाद जो हमारी अगली दिशा आती है वो आती है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इसको हम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे या शॉर्ट में WNW की दिशा बोलेंगे। तो ये मुख्य तौर पे उसके बाद नॉर्थ वेस्ट आ गया, नॉर्थ वेस्ट के बाद इस दिशा को जो हम बोलेंगे वो हम बोलेंगे NNW। तो इस तरीके से आपको ये दिशाएं याद रखनी है। मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो। 4 मुख्य दिशा है, सबसे पहले हमारी होगी नॉर्थ, उससे ऑपोजिट हमारी हो गई साउथ, इधर हो गया ईस्ट जहां से हमारा सूर्य उदय होता है और उसके ऑपोजिट होती है वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा होती है उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की दिशा हो गई, सबसे पहले आप 8 मुख्य दिशाएं करिए, उसके बाद आप उसका जब सब डिविजन्स करेंगे तो आपको वो इजिली समझते में आएगा कि हमने उनका नाम किस हिसाब से रखा है। तो ये हमारी होगी नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद दूसरी मुख्य दिशा साउथ और ईस्ट के बीच में हमारी जो दिशा आएगी वो साउथ ईस्ट आएगी, और उसके बाद साउथ और वेस्ट के बीच में जो दिशा है वो साउथ वेस्ट की दिशा है, जहां पे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो दिशा आएगी नॉर्थ वेस्ट आएगी। इन दिशाओं के बाद फिर जब हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं फर्दर 16 डायरेक्शंस में, तो नॉर्थ और एनी के बीच की दिशा को हम बोलते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, एनी और ई के बीच की जो दिशा होती है उसको हम बोलते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जो हम दिशा होती है वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट होती है, साउथ और एसी के बीच में जो दिशा होती है वो साउथ साउथ ईस्ट होती है यानी कि SSE, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में जो दिशा होती है उसको हम बोलते हैं साउथ साउथ वेस्ट।
वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में जो दिशा होती है उसको हम बोलते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट या डब्ल्यू एस डब्ल्यू। नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो दिशा होती है और वेस्ट के बीच में जो दिशा होती है उसको हम बोलते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड डब्ल्यू एन डब्ल्यू। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो दिशा होती है उसको हम बोलते हैं एन एन डब्ल्यू या फिर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो ये मुझे लगता है कि जो मैंने आपको बताया है कि ये आपको आसानी से समझ आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस जरूर करिए, खुद से बनाइए, एक आप पेन पेपर लीजिए, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है और ये बेसिक्स, इन चीजों को आपको याद रखना है कि कभी भी किसी लेक्चर में मैं अगर कोई भी दिशा की बात कर रहा हूं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सी दिशा की बात कर रहा हूं और वो कहां पर लाई करेगा। ठीक है, इसके बाद में आगे आपको पूरा दिशा शक्ति चक्र के बारे में बताऊंगा और एक एक दिशा दिखाऊंगा भी। आप भी देखिए, अभी घबराइए मत कि इतनी सारी दिशा है किस तरीके से याद होगी, आराम से याद हो जाएगी, सिर्फ प्रैक्टिस का विषय है। आप प्रैक्टिस करिए और ये सारी दिशाएं आपको टिप्स पे होंगी कुछ टाइम बाद। ठीक, धन्यवाद।